गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ प्रेयर प्लेयर और तुम सबका है स्वागत सो so, आज भी हम बात करेंगे यार पी एस फाइव के बारे में हॉट टॉपिक हमारा यही है तो so, बात करने से पहले सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा यार थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार इट मीन्स अलॉट हमारे नौ सौ से ऊपर कुछ सब्सक्राइबर हो गए हैं सो so, अगर तुम लोग देख रहे हो और तुम लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो क्योंकि हज़ार होने के बाद हम जैसे ही जिस दिन वन के हिट करेंगे मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं उस दिन गिव अवे करूंगा गिव अवे मैं किस चीज़ का करूँगा क्या करूँगा वो बाद में बताऊँगा बट जिस भी दिन हमारे वन के होंगे मैं एक गिव अवे करूँगा क्योंकि हमारा प्लेयर प्लेयर का मोटो है गिविंग बैक टू द कम्युनिटी सो उसी मोटो के पे जाके काम करते हुए मैं करूँगा गिव अवे तो यार बस सब्सक्राइब कर दो अगर तुम लोग नए हो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो टूट पढ़ो दोस्तों के साथ शेयर करो सबसे सब्सक्राइब करवाओ जस्ट वन के होने के बाद होगा गिव अवे और ये होगा मेरा दूसरा गिव अवे सो so, शुरू करते हैं आज के वीडियो यार उससे आज मैं बात करूंगा पी एस फाइव इंडिया क्रेज और इंडिया हाइप के बारे में सर पी एस क्यों इतना पॉपुलर है सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सो so मेरे पास कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं मैं उस पर बात करूँगा तो so ये वीडियो पूरी एंड तो देखना सर so सबसे पहली बात देखो पी के जो स्टॉक हैं वो करीब मोर देन 4.5 मिलियन शिप हो चुके हैं जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट डेटा है सोनी uh, की तरफ से या uh, जो भी uh, जो ये स्टैटिक स्टेटिस्टिक्स uh, टीम होती है अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट फाइव मिलियन उन्नीस नवंबर के बाद से अब तक और ये लोग कह रहे हैं अप्रैल या मई आते आते ये डबल हो जाएगा सेवन टू एट मिलियन यूनिट्स ठीक है इंडिया में सिर्फ चार हज़ार यूनिट आई है या यूनिटी आई है नो हमें पता है जो कि बहुत दुख दुख होता है चुपता है यहाँ पे बट तो पी इतना पॉपुलर क्यों है अगर हम बात करें एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के यूनिट कुछ 2.9 मिलियन ही बिके हैं एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड सीरीज़ एस तो ऐसा क्यों तो यार देखो सोनी की अगर हम बात करें ख़ासियत क्या है सोनी के पी अगर हम पी की बात करें तो पी हमारा कुछ पूरे वर्ल्ड में वो रिकॉर्ड सेलिंग था उसके कुछ एक वन वन फाइव मिलियन यूनिट्स उसके बिके थे अगर मैं इसमें ऊपर जाऊँ इस डेटा में तो ये देखो ये फोर्थ पे आ रहा है वन वन फाइव मिलियन यूनिट्स 2013 में लॉन्च हुआ था और फर्स्ट पे है पी एस टू सोनी ये भी सोनी का ही है वन डबल फाइव मिलियन यूनिट्स यार सोनी के इतने क्यों बिकते हैं इसके दो तीन पॉइंट्स हैं सबसे पहला तो है इनका जो एक्सक्लूसिव गेम है अगर आप क्योंकि जो बंदा कंसोल लेता है उसको क्या चाहिए होता है गेम उसको बढ़िया गेम और एक्सक्लूसिव गेम्स चाहिए होते हैं कि जो वो गेम सिर्फ प्ले पर ही हो अगर आप सोनी की बात करो प्ले की इनके पास अनचार्टेड है वन टू थ्री फोर फाइव पाँच पार्ट आ चुके हैं द लास्ट ऑफ ऑफअर्स वन टू अमेजिंग गेम यार माइंड ब्लोइंग पार पार्ट थ्री आने का भी रूमर है रूमर है मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा शायद पाँच छः सालों में लोग बना डालें अनचार्टेड द लास्ट ऑफर्स स्पाइडर मैन गेम ऑफ द ईयर रहा है स्पाइडर मैन माइल्स मोरल्स आ चुका है स्पाइडर मैन हो गया गॉड ऑफ वॉर हो गया रिटर्नल हो गया डीमन सोल्स हो गया तो यार ये इनके तीन चार तो बहुत ही फेमस सीरीज़ है गॉड ऑफ वॉर अनचार्टेड द लास्ट ऑफ Us, तो स्पाइडरमैन लोग ये खेलने के लिए मरते हैं इनके पास ऐसे गेम हैं जो खेलने के लिए ये मरते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो उनके एक्सक्लूसिव कोई गेम है नहीं हाँ तुम लोग बोलोग नहीं भाई एक्सक्लूसिव गेम है मैं आ रहा हूँ उस पर एक्सक्लूसिव गेम है बट उनके वो एक्सक्लूसिव रहते ही नहीं हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है तुम्हें पता है माइक्रोसॉफ्ट के और भी उनके हैं विंडोज़ तो जब वो कोई गेम अपना एक्सक्लूसिव करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव कर नहीं पाते वो एक्सबॉक्स पे भी रिलीज़ करते हैं देन उनको विंडोज़ पे भी रिलीज़ करना ही होता है तो वो एक तरह से एक्सक्लूसिव रहता नहीं है पीसी सबके पास है यार पीसी गेमर हर कोई है तो वो डाल के खेल ही लेता है तो वो गेम एक्सबॉक्स पर भी आता है वो गेम फिर विंडोज़ पर भी आ जाता है विंडोज पी सी मैं यहाँ भी खेल सकता हूँ तो इस तरह से इस अगर ये लॉजिक देखो तो उनका गेम एक्सक्लूसिव रहता नहीं है और अगर कोई गेम विंडोज़ पर आ गया फिर तो भाई तुम तो लोग जानते हो मतलब गेम कैसी तैसी हो जाती है मतलब टोरेंट पे फ्री में पायरेटेड पायरेसी होती कितनी होती है तो इस तरह से उनको लॉस होता है और वो उनका प्रॉफिट बढ़ता नहीं है तो वो गेम का लॉस वो यहाँ से खो देते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट को ग्रो करना है तो उनको क्या करना होगा गेम एक्सक्लूसिव लॉन्च करना होगा सिर्फ़ एक्सबॉक्स पे ही चलेगा नो विंडोज़ तो ये गलती वो हमेशा करते हैं मुझे पता है आने वाले कुछ इनके गेम हैं जो कि विंडोज़ पे भी आ रहे हैं जैसे वो मुझे एक बहुत अच्छा गेम लगा था उसमें वो एरो कुछ फायर कर रहे हैं पता नहीं शायद नाम उनका ए... मुझे नहीं पता क्या नाम है गेम का शायद गेम का नाम एरो ही है क्या है बट वो विंडोज़ पे भी आ रहा है तो ये इनको सबसे पहले ये अपनी इनको स्ट्रैटी चेंज चेंज करनी होगी बट इसमें सेकेंड थाट क्या यार तुम्हें पता है सोनी काफ़ी फेम फेमस कंपनी है सोनी के और भी सारे प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस में और सोनी की जो रिटेल चेन है वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में इस्टेबलिस्ड है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो माइक्रोसॉफ्ट की ऐसे कोई रिटेल चेन है नहीं माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे कोई प्रोडक्ट है नहीं आप बताओ कौन से प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के कोई नहीं है शायद आपको सोचना पड़ेगा हाँ एक एक दो ही होंगे विंडोज़ हो या कुछ और फलना टमकाना सोनी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंस हैं टी वी हैं स्पीकर हैं हेडफोन हैं साउंड सिस्टम ईयरफोन मेरे पास खुद है हम सब पास है तो उनका ये सारा रिटेल चेन सेट है जो कि वो उसको यूज़ करते हैं अपने प्ले में जब वो उनका प्ले स्टेशन लॉन्च करते हैं तो वो उसी रिटेल चेन को यूज़ करते हैं अपने प्ले स्टेशन के बेनिफिट के लिए बट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे लैक करता है माइक्रोसॉफ्ट का रिटेल चेन उतना अच्छा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो ये रिटेल चेन है ये उनका इतना अच्छा नहीं है तभी उनके प्रोडक्ट यार तुम लोग मॉल जाते हो तुमने हर जगह देखा होगा प्ले स्टेशन का वो लोग लो बनाए रखते हैं बट क्या कभी तुमने देखा माइक्रोसॉफ्ट का तुम लोगों ने बहुत कम देखा होगा क्योंकि मैंने खुद ही बहुत कम देखा है तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ लैक करता है इसीलिए उनके जो इतने कम जो पीसेस बिकते हैं अगर आप देखो 2.9 मिलियन यूनिट दोनों मिला के और यहाँ पे सिर्फ PS5 है ओनली डिस्क वर्जन क्योंकि 90 परसेंट डिस्क डेस्क है भाई डिजिटल एडिशन तो कहीं आ ही नहीं रहा है ठीक है अगर आप तो यहाँ पे इनके दो कंसोल बिके हैं थ्री मिलियन और यहाँ पे एक अकेला बिका है PS5 4.5 मिलियन जो अगर थोड़ा यहाँ पे डेटा ऑवर बढ़ गया है 4.5 पॉइंट अप्रोक्स तो ये आप फर्क देख लो उनका दो 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 चीज़ें मिलकर थ्री मिलियन भी हैं और इनका यहाँ पे एक ही फोर पॉइंट फाइव मिलियन है यार तो ये फ़र्क है एक तो इनके पास गेम में लैक करते हैं एक्सक्लूसिव गेम में जब आते हैं तो ये विंडोज़ में आ जाते हैं विंडोज़ में भी लॉन्च करना पड़ता है एंड देन थर्ड मेरा पॉइंट है पी एस फाइव की टेक्नोलॉजी पी एस फाइव का इनोवेशन देखो यार पी एस एक्सबॉक्स क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट उनके दो तीन मैं कंसोल देख रहा हूँ एक्सबॉक्स का एक्सबॉक्स का कंसोल जो है वो काफ़ी पावरफुल होता है एक्सबॉक्स वन एक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल था पी एस फोर प्रो से आई एग्री उसके टेराफ्लॉक्स बहुत ज़्यादा थे आप फोर में गेम रिकॉर्ड कर सकते हो गेम खेल सकते हो जबकि पी एस फोर में ये पॉसिबल नहीं था फोर में आप गेम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे उसमें वो ऑलरेडी था बिल्ट इन फ़ीचर था ये बहुत ही इंप्रेसिव फ़ीचर है जब मुझे पता चला पी एस फोर के लिए शायद आपको कैप्चर कार्ड लेना पड़ेगा फोर के रिकॉर्ड करने के लिए बट उसमें ऑलरेडी था क्योंकि वो इतना पावरफुल है बट ये लैक करते हैं इनोवेशन एक्सबॉक्स में अभी भी हम बैटरी कंट्रोलर यूज़ करते हैं अगर आप कंट्रोलर की बात करो उसमें बैटरी डबल ए बैटरी लगती है मतलब वॉट द हेल यू मैन आप 2021 अभी चल रहा है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एक्सबॉक्स सीरीज एस आपके नेक्स्ट चैन कंसोल हैं और आप, आप उसमें उस अभी भी वो बैटरी हम लगाएंगे डबल ए मतलब सीरियसली आप उसमें एक अलीम बैटरी नहीं लगा पाए अब तक एक तो ये इनोवेशन अब तक एक्सबॉक्स वन में भी बैटरी लगती थी एक्सबॉक्स सीरीज एक्स एंड एस में भी बैटरी लगती है कैन यू इमेजिन गाइस जहाँ की पी फाइव में अगर आप बात करो हमारे कंट्रोलर की ड्यूल सेंस फाइव के पी फोर में भी लीधियम आइन था पी फाइव में भी लीधियम आयन है और ड्यूल सेंस फाइव एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंट्रोलर है इसमें हैप्टिक फीडबैक है इसमें डेफ्टिक ट्रेगर है जबकि एक्सबॉक्स ऐसा कुछ नहीं किया एक्सबॉक्स ने ऐसा कोई इनोवेशन कुछ नहीं किया वो शायद नहीं काम कर पाए इस पर या वो लैक कर गए तो पी की इनोवेशन यहाँ दिखती है हाँ मुझे पता है कई लोगों ने बोला है पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो पर्सनली दिखने में एक्सबॉक्स सीरीज़ एक्स ज़्यादा अच्छा दिखता है अगर आप एक्सबॉक्स सीरीज एक्स की भी बात करो ये भी काफ़ी अच्छा दिखता है बहुत कॉम्पैक्ट है बट एक्सबॉक्स सीरीज़ एक्स भी काफ़ी अच्छा है और दिखने में पी एस फाइव काफ़ी बड़ा है हैवी है एग्री बट हमें मेन चीज़ क्या मैटर करती है टेक्नोलॉजी इनोवेशन तो माइक्रोसॉफ्ट वहाँ लैग कर जाता है बार बार मतलब हम बैटरी लगाएंगे आप दो महीने डेढ़ महीने बाद हम ड्यूरासल की बैटरी खड़ देंगे हमारे बार, बार बार लगाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ये थोड़ा सा अजीब चीज़ें मतलब एक गेमर को इसमें वो नहीं होना चाहिए प्लस गेम्स माइक्रोसॉफ्ट जब अच्छे गेम बनाना स्टार्ट करेगा और वो प्योरली एक्सक्लूसिव होंगे एक्सबॉक्स के लिए तो अभी वो डेवलप कर पाएगा सेकेंड थिंग माइक्रोसॉफ्ट को अपनी रिटेल चेन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा रिटेल चेन को अपनी और बिल्ड करना होगा जैसे सोनी की है इसमें सोनी के पास एडवांटेज है कि सोनी की ऑलरेडी रिटेंशियल और डेवलप है क्योंकि उनके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं ये मैं मानता हूं बट माइक्रोसॉफ्ट को इन तीनों चीज़ों पे काम करना होगा वो अपने कंसोल पावरफुल बनाते हैं आई नो बट उनको ये तीनों चीज़ों पे काम करना होगा जब वो उन्होंने जिस दिन कर लिया तो वो बीट कर पाएंगे प्ले स्टेशन को अगर वो नहीं कर पाए उनको गेम ऐसे बनाने होंगे कि लोग गेम के लिए कंसोल ले लें प्ले स्टेशन का ये हालत है लोग गेम खेलने के लिए लोग कंसोल ले लेते हैं अनचार्टेड एक ऐसा गेम है लोग गेम खेलने के लिए कंसोल ले लेते हैं मैंने खुद तीन पार्ट खेले हुए हैं फोर एंड फिफ्थ मेरा बाकी है स्पाइडरमैन के लिए लोग कंसोल ले लेते हैं एंड गॉड ऑफ वॉर के लिए लोग कंसोल ले लेते हैं द लास्ट ऑफ अस मतलब भाई क्या गेम है मैं तो खेल के पागल हो गया मैंने पार्ट वन खेला भी नहीं है मैंने पार्ट टू जस्ट खेला एक घंटा और मैंने बोल दिया कि ये गेम ऑफ दियर है और वो गेम ऑफ दियर उसको मिल गया मैंने पार्ट वन में ही बोल दिया था जब मैंने पार्ट वन गेम प्ले अपलोड किया था जून में जून दो हज़ार बीस तभी मैंने बोल दिया था कि ये गेम ऑफ द ईयर है सो so, इनको गेम ऐसे डेवलप करने होंगे ताकि वो लोग पागल हों और जाएँ कंसोल खरीदें सो so, बस यार यही मेरे दो तीन पॉइंट्स थे तुम लोग बताना कि तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं और मेरे पास एक अपडेट है अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्स सीरीज एक्स लेना चाहते हो सीरीज एस तो इसके स्टॉक आ चुके हैं फ्लिपकार्ट वापस ये हमें एक अपडेट मिला है ऑन फ्लिपकार्ट तो ये रही स्टॉक हो चुका है बट मुझे नहीं पता कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं कैन गो एंड देख सकते हो तो मैं लेना है या नहीं सर ये था आज का वीडियो बताओ तुम्हें कैसा लगा और लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो गाइज़ हमारे वन के होने वाले हैं जिस दिन जिस भी दिन हम वन के हिट करेंगे हम मैं करूंगा गेव वे मैं गेवे अनाउंस करूँगा कि क्या होगा बस यार वन के कर दो टूट पढ़ो थैंक यू गाइज़ फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन बाय